नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जो जहर दुनिया भर में बांटा वो अब उनके कौम के लिए ही खतरनाक साबित हो रहा है। कई जगहों पर अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर चाकू भाजने वाले कट्टरपंथियों की खबरों ने पूरी दुनिया पर असर डाला है। चाहे फ्रांस हो या इसराइल, दुनिया भर में कट्टरपंथियों के दिए हुए घाव अब भी हरे ही हैं। इन घाव पर जब भी कोई मौलवी या लिब्रांडू मलहम लगाने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई जिहाद के नाम पर सब कुछ खनोस देता है। हाल ही में एक और वीडियो सामने आई थी जब एक शख्स ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए और बीच बाजार चाकूबाजी करने लगा। कहीं चाकू तो कहीं तलवार, कहीं इस्लामिक धर्मांतरण तो कहीं आतंकी हमले। इन घटनाओं ने इतिहास के पन्नों को खून से सिर्फ लाल ही किया है और इसका असर अब देखने को भी मिल रहा है, वो भी पूरे कौम पर। दरअसल कनाडा में एक मुस्लिम परिवार को ट्रक से कुचले जाने के कुछ हफ्ते बाद ही फिर से हेट क्राइम की घटना सामने आई है। इस बार पाकिस्तान मूल के एक शख्स पर दो अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। कनाडा के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये घटना सेस्केचेवान प्रांत के सेस्काटून शहर में हुई। जिस शख्स पर हमला हुआ उसका नाम मोहम्मद काशिफ बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 32 साल है। पाकिस्तानी मूल के काशिफ शुक्रवार शाम को घर लौट रहे थे तभी वो हेट क्राइम के शिकार हुए। स्टार फिनिक्स डेली रिपोर्ट के मुताबिक काशिफ ने बताया कि दो अज्ञात हमलावरों ने पीठ के पीछे से आकर हमला कर दिया। उस वक्त हमलावर चिल्ला रहे थे कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहन रखी है, तुम अपने देश वापस जाओ, मैं मुस्लिमों से नफरत करता हूँ। सिर्फ यही नहीं, हमलावरों ने काशिफ की दाढ़ी का कुछ हिस्सा भी काट दिया। साथ ही वो कह रहे थे कि तुमने ये दाढ़ी क्यों रखी हुई है। काशिफ की बाजू पर चाकू से लगातार वार किए गए जिसकी वजह से 14 टांके लगाने पड़े हैं। काशिफ ने जानकारी दी कि एक तीसरा शख्स भी संभवतः इन दोनों हमलावरों के साथ होगा और पास ही खड़ी हरे रंग की कार में उनका इंतजार कर रहा था। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। इस मामले के बारे में सेस्काटून मेयर चार्ली क्लार्क ने अपने बयान में कहा कि मैं इस घटना से आतंकित और दुखी हूं। ऐसे ग्रुप जो वाइट सुप्रीमेसी, इस्लामोफोबिया और भेदभाव से जुड़ी किसी भी बात को फैला रहे हैं उनकी सही तरीके से जांच कर उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हमें नस्लवाद और भेदभाव से जुड़े ऐसे कृत्यों को सख्ती से रोकना चाहिए। यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई हो। कथित इस्लामोफोबिया का एक और मामला 6 जून 2021 को ओंटेरियो के लंदन शहर में हुआ, जहां 20 साल के एक शख्स ने पाकिस्तानी मूल के एक परिवार पर ट्रक चढ़ा दिया था। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 9 साल के एक लड़के को गंभीर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मामले पर पुलिस ने नफरती सोच को जिम्मेदार बताया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इस घटना को आतंकी कार्रवाई करार देते हुए कहा था कि इस्लामोफोबिया के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, जिस पर काफी बवाल भी हुआ। खैर, इस घटना के बाद से काशिफ काफी डरा हुआ है और उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।